मैं आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2020 का द हिंदू समाचार पत्र सबसे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ कल का सबसे पहला प्रश्न है मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तीन सदस्यीय समिति एवं दोनों मिलकर राष्ट्रपति इसमें सही हो जाता है देखिए ये कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट हो सकती है तीन सदस्यीय समिति का भी तो रोल होता है लेकिन तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सुझाव देते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त पर किसको नियुक्त करना है लेकिन अंततः नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होती है है। अगला प्रश्न है किस प्राइवेट कंपनी ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में मानव भेजने का महारत हासिल किया है तो अमेरिका की स्पेसिक्स प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसने कल डेमो टू मिशन को लॉन्च किया जिससे पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में मानव को भेजने में सफल रहा है हाल ही में किस कंपनी ने चित्रा लैब के साथ आर टी लैम्प आधारित सास कोविड नाइन्टीन टू के लिए टेस्टिंग किट बनाने के लिए सहभागिता की है तो टाटा सन्स जो कंपनी है उसने चित्रा लैब के साथ, साथ सहभागिता की है ये थी हमारे कल के न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्नों पर प्रश्न अब हम चलेंगे आज के अपने न्यूज़पेपर की तरफ तो हमारा सबसे पहली खबर इसमें है अ रूड वेलकम फॉर उड़ीसा माइग्रेंट्स एज विलेज लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ तो इसमें उड़ीसा की छवि दिखाई गई है किस तरह से जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस जा रहे हैं तो वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है तो जिससे उनको क्वारंटीन होने के लिए एक सीमेंट की पाइपों में और डेंटीट्यूट टॉयलेट्स में यहाँ कुल क्वारंटीन होने पर होना पड़ रहा है तो ये बताया गया है अगली न्यूज़ है मोडीज डाउनग्रेड्स इंडियाज रेटिंग्स तो मोडी एक रेटिंग एजेंसी है उसने इंडिया की रेटिंग घटा दी है क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय कोरोना न चल रहा है हमारी क्षमताएँ इंडस्ट्री क्षमताएं सब कम हुई है जाहिर सी बात है तो बी ए बी ए थ्री कर दी है तो ये रेटिंग के पैमाने होते हैं ये चीज़ आपको जानने की उतनी आवश्यकता नहीं लेकिन जाहिर जी बात बी ए थ्री रेटिंग है मतलब रेटिंग काफ़ी खराब है ये बताया गया है क्लासेस आउटसाइड व्हाइट हाउस मोर यूनिवर्सिटीज अंडर कर्फ्यू तो व्हाइट हाउस के सामने कुछ झड़पें देखी गई हैं जैसे कि आप जान रहे होंगे जॉर्ज फ्लैड यहाँ पे एक वहाँ अमेरिका के एक अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक थे जिनको एक पुलिस ऑफिसर ने ब्रुटली किल्ड कर दिया ब्रुटली मार डाला तो उसी के बाद से वहाँ पे रेसिज्म यानी कि जा, जै जाति जातिगत जाति भेद होता है तो ये सब चीज़ें काला और गोरे का भेद होता है इसी आधार पर वहाँ पर प्रो, प्रोटेस्ट जो है अभी जारी है और ये प्रोटेस्ट का असर व्हाइट हाउस तक दिखा है तो ये बात बताई गई अगली जो है मानसून हिट्स केरला विथ साइक्लोन इन द बैकग्राउंड तो के एक जून को जैसे कि सामान्य रूप से माना जाता है कि एक जून को केरला में मानसून आ जाता है और उसी सामान्य स्थिति के अनुसार ही केरला में मानसून आ गया है तो देखिए दो एक डिबेट भी चल रही थी तो जो हमारी नेशनल एजेंसी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई उसने बोला था पाँच जून को मानसून आएगा लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट उसने बोला था एक जून को ही आएगा तो स्काईमेट की जो फोरकास्ट था उसके अनुसार ही एक एक जून को आ गया तो ये काफ़ी चीजें भी आपको ध्यान देना है स्काई मेट क्या है तो अभी केरला में एक जून को मानसून आ गया है एक चीज और ध्यान देना है कि अरब सागर में एक चक्रवात भी बन जो है बन रहा है जिससे केरला मानसून की मात्रा और ज्यादा आ सकती है और ये चक्रवात जो है आपका गुजरात और महाराष्ट्र में लैंड करने की संभावना है तो चक्रवात अपनी हवा के साथ जैसे यहाँ पे चक्कर बनाता हुआ आएगा तो उसके साथ मानसून भी तीव्र होने की संभावना है तो महाराष्ट्र में और गुजरात में ज्यादा बरसात होने की संभावना भी होगी इस बार पल्सेज ऑयल सीड सीट सी सार्फ हाइक इन एम तो जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रत्येक वर्ष जब फसलें जिस फसल का जो है बुआई होने लगती है बुआई के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य उसका घोषित किया जाता है तो कैबिनेट कमेटी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों पे जो कैबिनेट समिति होती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है इसको सुझाव कौन देता है कमेटी ऑन एग्रीकल कमेटी ऑन क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर प्राइसेस सी एस सी पी सुझाव देती है और सी सी ई ए यानी कैबिनेट कमेटी और आर्थिक मंत्रालयों की कैबिनेट कमेटी इस पर निर्णय देती है कितना एम एस पी किसका होगा तो अभी देखिए कि हमारा धान का बुने का सीजन है तो जिस जिस चीज़ की बुआई शुरू होती है उसकी बुआई के पहले एम एस पी डिक्लेयर किया जाता है तो धान का जो एम एस पी है वो तिरपन रुपये बढ़ाकर प्रति क्विंटल अब एक हज़ार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है तो ये चीज़ बताई गई है एम एस पी के बारे में अगली न्यूज राज्यसभा लोकसभा मीटिंग कुड बी हेल्ड ऑन अल्टरनेट डेज तो जैसे कि मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है संसद का तो ये एक प्रपोजल आया है कोविड नाइन्टीन में कैसे हम सत्रों को ऑर्गेनाइज कराएंगे तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है कोविड नाइन्टीन में हम इतने दिन से सीख चुके हैं तो इसमें ये बताया गया है कि राज्यसभा लोकसभा के अगर दोनों सत्र सामान्यता एक ही दिन होते थे एक ही बिल्डिंग में अलग अलग हॉल्स होते थे राज्यसभा के हॉस दोनों का सत्र चलता रहता था लेकिन अब क्या किया गया है कि ये प्रस्ताव रखा गया है एक दिन राज्यसभा की मीटिंग होगी एक दिन लोकसभा की मीटिंग होगी इससे क्या है पार्लियामेंट हाउस में भीड़ कम रहेगी और एक प्रपोजल ही दिया गया है कि जो लोकसभा मीटिंग है उसको सेंट्रल असेंबली में सेंट्रल हॉल में कर दिया जाए सेंट्रल हॉल जहां पर हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें तो वो सेंट्रल हॉल सबसे बड़ा हॉल है तो यानी लगभग 545 सदस्य जो हमारे हैं 500 से ज़्यादा लोकसभा सदस्य लगभग उपस्थित रहते हैं तो उनको सेंट्रल हॉल में शिफ्ट कर दिया जाए यानी स्पेस ज़्यादा रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी और जो राज्यसभा की मीटिंग होती है वो लोकसभा वाले हॉल में कर दी जाएगी तो ये सारे प्रपोजल हैं और कुछ विपक्ष के नेताओं ने ये भी कहा था कि ऑनलाइन कराई जाए जिससे जा, जो है जो नहीं आ पाते हैं या फिर जो में है उसको करने के लिए लेकिन ऑनलाइन मीटिंग प्रावधान प्राइवेसी के खुद ही प्रश्न उठे हैं तो इसलिए ऑनलाइन मीटिंग वाला प्रपोजल नहीं स्वीकार किया गया अगली न्यूज पाक स्पाइस आर्मी मूवमेंट तो जैसे कल हमने न्यूज देखा था कि दो जो है पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर ऑफिस के स्टाफ थे वो दो स्टाफ जो है उसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो वो रेलवे स्टाफ कर्मचारियों को कुछ लोक लुभावन कुछ लुभा उभा के अपना कि यानी कहाँ प्यार में जा रही है कहाँ प्यार में नहीं जा रही है आर्मी का डिप्लॉयमेंट कहाँ रहा उन संबंधी जानकारियों को इकट्ठा कर रहे थे तो उनको पुलिस ने धर दबोचा है तो हमने कल ही न्यूज देखा था डेली यूनिवर्सिटी टू गो अहेड विथ ओपन बुक एग्जामिनेशन तो दिल्ली विश्वविद्यालय ओपन बुक एग्जामिनेशन कराएगी ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है हमने बात की थी पहले भी कि जैसे ये क्या होगा ये प्रश्न पत्र आपका जैसे छात्र घर पर है विश्वविद्यालय में न ना, ना देने के बजाय अपने घर पर ही दे सकता है ऑनलाइन माध्यम से उसको प्रश्न पत्र भेज दिया जाएगा और अपना प्रश्न पत्र लिख के वो उसको सी ए फोर साइज पेपर में उसको वो स्कैन करके सबमिट कर देगा तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में यानी कि वो बुक सोर्सेज का भी मदद ले सकता है इसमें कोई उससे बाध्यता नहीं होगी कि वो रटके जाए तो इससे कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं तो पहली बात तो भाई हमारी स्थिति नहीं हमारी

टेक एक्शन अगेंस्ट ट्री फेलिंग एन तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कहा है कि जो भी लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए एन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्या है ये आपका पर्यावरण संबंधी मामलों पर सुनवाई करता है एन अध्यक्ष हमारे आदर्श कुमार गोयल हैं ये एन जी के तहत इसका गठन हुआ था अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है पंजाब इम्पोजेस कोविड ऑन लिक्वर लिक्कर तो शराब पर पंजाब ने कोविड लागू किया है तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या होता है क्या होता है एक टैक्स ऑन टैक्स यानी एक टैक्स पर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना तो ये क्या होता है ये राज्यों को या केंद्र सरकार या राज्य दोनों को अधिकार है कि, कि किसी वस्तु पर सेस लगा सकते हैं सेस किसी विशेष उद्देश्य के साथ ही लगाया जा सकता है जैसे कि आपका स्वच्छता सेस हो गया यानी कि इससे शेष से जो भी इस से जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो केवल स्वच्छता संबंधी मामलों पर खर्च किया जाएगा इसमें जैसे कोविड सेस लगाया गया है तो ये जो इससे इस से जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो केवल कोविड से संबंधित मामलों पर खर्च किया जाएगा तो ये चीज़ हमने जाना सेस के बारे में इसको केंद्र और राज्य दोनों लागू कर सकते हैं और इस ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है और इसका जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया उसी पर खर्च किया जा सकता है ये हमने शेष के बारे में जाना अगली महत्वपूर्ण जानकारी है ए पी एम सी विजिटेबल मार्केट रिओपन्स विद काशन तो जो ए पी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है उसकी जो विजिटेबल मार्केट है वो सावधानियों के साथ पुनः खोल दी गई है तो ए पी एम सी क्या होती है ये चीज़ हमको जानने की आवश्यकता है ये आपका ए पी एम सी एक्ट लागू किया गया है प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा कि एक जो भी मतलब प्रोड्यूस एग्रीकल्चर वो किसान जाके सीधे मंडियों में बेच सके थे ये मंडियाँ होती हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा और गूगल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है यदि कोई डाउट हो तो हमसे और हम सोचना आपके साथ साझा करेंगे अगली महत्वपूर्ण न्यूज है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एपीएस टू प्रोटेक्ट हेल्थ वर्कर्स आईसीएमआर रिसर्च तो आईसीएमआर ने जिस आईसीएमआर के जो रिसर्च में पाया गया है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है इस दवा का काफ़ी प्रभाव है जैसे कि जान रहे हैं समय डब्ल्यू एच में एक मतलब सुझाव भी जो है प्रेषित किया किसी ने कहा है हाइड्रोक्सिक क्लोरोक्वीन इफेक्टिविटी पर उसने प्रश्न उठाया उसके तो आई के रिसर्च ने बताया है कि हमने टेस्ट किया है तो देखा है कि जो लोग लगभग चार डोज प्रतिदिन ले रहे थे जो भी डॉक्टर्स या भी जो भी कोरोना हेल्थ कोरोना कोविड के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो चार डोज पर डे पर डे ले रहे थे उनमें केवल दस परसेंट लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया यानी कि वो लोग काफ़ी सिक्योर थे तो यानी कि काफ़ी प्रभावी है ये बताया आई सी एम आर ने हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन अगली निधि स्ट्रीट वेंडर्स टू गेट क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आपका शहरी एवं विकास मंत्र शहर एवं विकास मंत्रालय जो है आपका जिसके मं, मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी उन्होंने जो है एक स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम इसके तहत वो अभी दस हज़ार रुपए तक का लोन जो भी आपके ये स्ट्रीट वेंडर से गली में सामान बेचते हैं ठेले वाले हैं वो दस हज़ार तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी जमा किए ले सकते हैं और अगर वो समय पर जमा कर देते हैं लोन का जो इंस्टॉलमेंट में एक साल के अंदर को जमा करना रहेगा अगर टाइम पर जमा कर देते हैं तो सात का इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी यानी कि अगर मान लीजिए दस परसेंट पर लोन लिया गया है तो सात गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी तीन परसेंट उनको ब्याज देना पड़ेगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यानी जो इससे झटका खाए हुए हैं उनके पास इंस्टेंट मनी नहीं है तो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं ई पी एफ ओ रिलीजेज रिस्टोर्ड पेंशंस तो ई पी एफ ओ ने जिनकी पेंशन रुकी हुई थी उनको रिलीज़ किया है तो ई पी एफ ओ क्या है हम जानेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन तो जो भी पेंशन संबंधी मामले होते हैं सभी सरकारी विभागों के या फिर जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी पेंशन संबंधी मामले हैं वो ई पी एफ ओ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो पेंशन संबंधी मामलों पर रेगुलेट करता है आई एन एस सेट आउट फ्रॉम कोलंबो विथ 685 इंडियंस तो जैसे कि हम जानते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया है जिसके तहत हमारी इंडियन नेवी जो है वो दूसरे राष्ट्रों से जो हमारे भारतीय नागरिक जो दूसरे राष्ट्रों में फंसे हुए हैं उनको वापस ला रही है तो उसी ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत एक हमारा इंडियन नेवल शिप है आई एन एस वो छः सौ पचासी भारतीयों को कोलंबो से वापस लाएगा तो ये हम जानना हमने जाना आई एन के बारे में और ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में डी जी सी ए बैट्स फॉर एम्पटी मिडल सीट्स इन फ्लाइट्स तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन है यानी कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन है ये आपका हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नागरिक उड्डयन मामलों से संबंधित है आपका नियम कानून प्रस्तावित करता है उसका रेगुलेशन करता है तो इसने बताया है कि जो है जो है वो जो भी वायुयान है उसमें मध्य की जो कॉलम है उसको छोड़ दिया जाए वायुयान में सीटों के लिए जो मिडिल की सीट्स हैं उनको खाली रखी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सकती है काज की जा सके यदि अगर नहीं जो है उसको खाली रखा जा रहा है किसी विशेष बाध्यता की वजह से तो जो मिडिल में लोग बैठे रहें उनको स्पेशल रैपअप गाउन दिया जाए यानी कि उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाए जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव्ड हों और यदि मान लो संक्रमित हों तो उस बगल वाले को संक्रमण ना कर सकें और बात बताई है ये चीज गाइडलाइन में कहा है कोई भी खाना या पेय पदार्थ नहीं सप्लाई किया जाएगा यहाँ पे फ्लाइट के दौरान और एयर कंडीशनर सिस्टम को ऐसे किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी वायु रिप्लेनिस हो सके यानी कि वही वायु वाइव सर्कुलेट ना होती रहे ताकि जो को ट्रेवल के दौरान एयर एरोप्लेन में सुरक्षा मेंटेन की जा सके कोविड ज्यादा संक्रमण की संभावना ना हो अगली नीचे कैमरा मैन पैन एजीज वल्चस रिमार्क तो जैसे कि जानते हैं कि कोविड 19 में जो भी आपका देखे होंगे आप माइग्रेंट वर्कर्स की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है तो उनको देखा हमने न्यूज़ में देखा है किस तरह बहुत सारी फोटोज़ हमारे सामने आई हैं स्थिति को बयां कर रही हैं तो उसी के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ जो केस फाइल किया गया है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में तो उसी के सर, जो है बचाव में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं एस यानी कि एक तरह से ये सरकारी वकील होते ये सरकार के वकील होते सरकार का पक्ष रखते हैं सरकारी वकील तुषार मेहता उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि किस तरह जो है जो मतलब अपने बचाव के बचाव करते हुए सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि जो ये फोटोग्राफर्स हैं फ़ोटो खींचने के बजाय अगर उनकी मदद करें तो कहीं स्थिति और बेहतर हो जाए तो उसी पे जो फोटो ऑल इंडिया वर्कर्स न्यूज़ कैमरा मैन एसोसिएशन है तो कैमरा उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था किसका के केविन कार्टर का केविन कार्टर कौन है पहले हम ये जानेंगे तो एक अफ्रीकन जर्नलिस्ट हैं जो फोटोग्राफी जर्नलिस्ट करते थे जर्नलिज्म में फ़ोटोग्राफी करते थे तो इन्होंने एक फ़ोटो खींची थी सूडानीज गर्ल और वल्चर की यानी एक गिद्ध था उस फोटो में क्या था फोटो आप जो है गूगल कर लीजिएगा आपको आज मिल जाएगी केविन कार्टर सूडानीज गर्ल और वल्चर करके गूगल करेंगे तो आपको फोटो मिल जाएगी तो उस फोटो में क्या था कि उस फोटो के द्वारा उस वहाँ पर सूखा पड़ा था यानी कि भुखमरी पड़ी भुखमरी मची हुई थी उसमें एक जो है बहुत छोटा सा बच्चा वो अप... मतलब रेंगते हुए जा रहा था कि जो यूनाइटेड नेशंस का फूड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर से उसकी तरफ जा रहा था और एक वल्चर बगल में गिद्ध थोड़ी दूर खड़ा हुआ था तो उसको इसी पे उसको उनको पुल्जर पुरस्कार भी मिला था केविन कार्टर को और पुरस्कार के चार महीने बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था मतलब उस फोटो से ही मतलब इतना दुखी हुए थे वो और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था तो इस घटना को जो है तुषार मेहता ने जो उसको कोट किया और बताया कि किस तरह अगर वो जो है जो केविन कार्टर है उस फोटो खींचने के बजाय उसकी मदद कर देते तो एक जो है अच्छा कार्य हो जाता तो वही इस पर विरोध जता है उन्होंने तो यहाँ पर हमने जाना केविन कर्टर इन्होंने पुलज्जर पुरस्कार जीता था फोटोग्राफी जर्नलिज्म में और इन्होंने इनकी जो फेमस फोटोग्राफी है जिसको जिस पुलज्जर पुरस्कार, पुरस्कार मिला था सुडानीज गर्ल एंड द वल्चर ये चीज़ थी हमने ये चीज़ जाना अगली महत्वपूर्ण चीज है एन पी सी आई डिनाइज ब्रीच ऑफ भीम डाटा ऐप भीम ऐप डाटा तो जैसे कि सरकारी पेमेंट एप्लीकेशन है हमारा एक भीम ऐप हम जानते हैं भली बात इसे परिचित हैं तो एक चीज़ और जानेंगे जो नेशनल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक संस्थान बनाया गया है भारत सरकार द्वारा जो भी पेमेंट सिस्टम ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था है इसको रेगुलेट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है तो एक अभी वेबसाइट है एक वेबसाइट है उसने क्लेम किया है कि जो भीम ऐप के जो भी डाटा है इसका ब्रीच हुआ इसमें डाटा लीक हुआ है बताया गया है कि जो भीम ऐप पे ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को रजिस्टर करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था तो इस कैंपेन के दौरान ही इसका जो डाटा है सारा अमेजन के वेब क्लाउड पर वेब सर्विसेज पर रखा गया है जो कोई सुरक्षा नहीं यानी ऑन ऑनलाइन पब्लिकली एक्सेबल है तो जिससे डाटा ब्रीच हुआ है तो ये डाटा ब्रीच हम कई दिन से न्यूज़ देख रहे हैं तो डाटा प्राइवेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे कि जान रहे हैं डिजिटल युग में डाटा का सबसे बड़ा धन है तो ये नेशनल नेशनल पेमेंट्स ऑफ इंडिया ने क्लेम किया है कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं कोई डाटा ब्रिज नहीं सिक्योर है लोकस फ्लाई इनटू छत्तीसगढ़ फ्रॉम एमपी तो लोकस मध्य प्रदेश से अभी छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुके हैं तो ये टिड्डे दल हमला कैसे हो रहा है हम देख ही हैं तो वो अभी तक छत्तीसगढ़ तक उनका पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन ऑन नेशंस नेम तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है उसमें याचिकाकर्ता ने कहा है भारत को एक नाम से जाना जाए वर्तमान में देखिए हमारा जो संविधान एक संविधान के अनुच्छेद एक में है भारत उसमें क्या कहा गया है भारत अर्थात इंडिया यानी भारत और इंडिया दो नाम की बात की गई है तो उसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि इंडिया को केवल एक नाम से जाना जाए वो चाहे जो भी नाम हो या तो भारत कहा जाए तो इंडिया कहा जाए दो नाम उचित नहीं है ये याचिकाकर्ता ने कहा है फ्लिप फ्लॉप ऑन बैन लिस्ट ऑफ़ सी एफ फॉर सी ए पी एफ कंटीन्स तो जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज हुआ था तो उसी के लिए स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने कहा था उसी को प्रमोट करने के लिए गृह मंत्रालय से आदेश आया था कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की कैंटीन है उसमें केवल स्वदेशी सामान बेचे जाएँ तो लेकिन जो लिस्ट जारी की गई बैन लिस्ट उसमें देखा गया कई जो है इंडियन प्रोडक्ट्स भी बैन थे जैसे कि आपका ऊषा डाबर नीलकमल ईगल होम अप्लायसेज कोलगेट पामायल कैबिन केयर ब्लू स्टार बजाज ये सब इंडियन

पिछले कुछ दशकों में ब्रू वहाँ पे मूलता जो मूल इंडिजिनियस वहाँ के हैबिटेंट्स हैं वो मिज़ो जनजाति के हैं तो मिजो और ब्रू ब्रू को रियांग भी बोलते हैं मिजो और ब्रू के बीच में हिंसात्मक झड़पें हुई जिसके बाद ब्रू रिफ्यूजी जो थे ब्रू लोग जाके त्रिपुरा में जो है भाग के अपना मतलब जान बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए त्रिपुरा में शिफ्ट हो गए तो अभी वर्तमान में मिजोरम से त्रिपुरा और कुछ असम में भी जाके बसे हुए हैं तो अभी हमारा एक ब्रू पैक भी साइन हुआ था जिसके तहत इनको कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी रहने के लिए घर दिया जाएगा चार पांच सालों तक के लिए इनको राशन दिया जाएगा और कुछ रोजगार के अवसर दिया जाएगा ताकि त्रिपुरा में तो खत्म हो सके तो अभी व्यक्ति तो नहीं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना आसान नहीं होगा तो इन सब माध्यम को, को देखते हुए कोविड नाइन्टीन की संभावना वहां पर ज्यादा है पॉजिटिव होने के संक्रमण का यह बात बताई जा रही है अगली महत्वपूर्ण न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय जगत से व्हाइट हाउस इज कॉल फॉर लॉ एंड ऑर्डर तो जो व्हाइट हाउस है उसके सामने प्रोटेस्ट हो रहा है कैसे हम जान रहे हैं वहाँ पे कि कैसे रंग भेद के आधार पर जो जॉर्ज फ्लैड एक अफ्रीका अमेरिकन थे उसकी जो है हत्या कर दी गई बुरी तरह से एक पुलिस मैन द्वारा तो उसके खिलाफ पूरे देश भर में अमेरिका में रंगभेद पे के खिलाफ आंदोलन चल रहा है तो उसके व्हाइट हाउस ने कहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए हांगकॉन्ग बैंस टेन मैन विजिल फॉर फर्स्ट टाइम इन थर्टी ईयर्स तो हांगकॉन्ग ने सबसे पहली बात बार टेनमेंट पे जो भी उनको याद करने के लिए एक जो है संध्या पर टेनमेंट याद के लिए उनको एक जो है प्रेयर प्रार्थना होती है उसको तो तीस साल में पहली बार उसको रोका है तो हम देखेंगे टेनमेंट के संध्या पर क्यों याद किया जाता है तो हम वहाँ चाइना में एक जगह है टेनमेन स्क्वायर तो टेनमेन स्क्वायर में उन्नीस में एक प्रोटेस्ट हो रहा था कुछ छात्रों के द्वारा जो डेमो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की मांग कर रहे थे तो वहाँ की सरकार ने टैंक भेज कर टैंकों के गोलों से उनको मरवा दिया था तो हजारों संख्या में जो है मौतें हुई थी तो वहाँ का सबसे काली इवेंट सबसे ब्लैक इवेंट मानी जाती है सबसे काली घटना मानी जाती है तो आज भी जो है उसको लोग जो है उस दिन को जो है मतलब शांति या शोक के रूप में व्यक्त करके प्रार्थना करके उनकी आत्मा के लिए उसको याद करते हैं उस काले दिन को तो अभी पहली बार ऐसा हुआ तीस वर्षों में हांगकॉन्ग में टेनमेन विजिल को यानी कि टेनमेन की संध्या जो है जो जागरण करते हैं यात्रा उनके लिए प्रार्थना करते हैं उसको मना किया गया तो यहाँ पर आरोप बताया गया कि कोविड नाइन्टीन है तो हमें जो है इसलिए मतलब इसलिए हम पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं अलाउ कर सकते हैं तो जबकि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स उन्होंने ये कहा है जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक मांग करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है जब भाई हमारे यहाँ हमने केसेस कंट्रोल कर लिए हैं और आप स्कूल खोल सकते हो पब्लिक प्लेसेस सारे खोल दिए हो तो ये तो पोलिटिकल मोटिव है ना आप हमको जाने नहीं देना चाहते क्योंकि देखिए जो टी है ये जो है चाइना की सरकार के खिलाफ एक तरह से याद किया जाता है क्योंकि चाइना की सरकार की गलती थी तो उनके खिलाफ है ये तो ये कहा कि पॉलिटिकल राइट्स को बुदबाने का प्रयास है तो एक तो ये न्यूज थी प्रोटेस्ट सोज क्रॉनिक डिजीज ऑफ रेसिज्म इन यूएस तो जैसे कि यूएसए में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो चाइना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा है कि जो है यूएसए दूसरों पे तो खूब आरोप लगाता है जैसे चाइना यूएसए बार बार कहता है उइगर मुस्लिम पे खूब अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर वहाँ भेदभाव होता है चाइना में तो वही चाइना कह रहा है कि अपने यहाँ की स्थिति नहीं देखते आप आपके यहाँ कितना रंग भेद होता है आप दूसरों पर आरोप होते जल्दी लगाते हैं ये चीज़ बताई गई है ईरानिय रे साइंटिस्ट जेल्ड इन यूएस टू रिटर्न तो जो ईरान और यूएस के बीच में तनाव चल रहा है हमने बातचीत देखा ही कैसे 2015 में जो न्यूक्लियर डील साइल हुई तो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको खत्म कर दी तो ईरान और यू के बीच में टेंशन चल ही रही हैं तो वहाँ के जो ईरानियन साइंटिस्ट थे वो सिरोस अजगरी वो इनको यू में गिरफ्तार कर लिया गया था अब उनको वापस लाया जाएगा ये बात की जा रही है अ सेक्रेटिव फार लेफ्ट मूवमेंट विथ नो ऑफिशियल लीडर तो एंतफा एंतफा एक संगठन है जो इस जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है तो इंतिफा संगठन के बारे में बताया गया है तो ये बताया गया है कि इंतिफा संगठन किसी कोई ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है कि जैसे ये मतलब कोई भी ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है ये अननेम्ड संगठन है जिसके लोग जिसमें जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी आपका फासिस्ट एक्टिविटीज़ होती है यानी कि जो भी तानाशाही टाइप के टाइप की चीज़ें होती हैं या किसी एक रंग भेद या किसी एक जाति विशेष को समर्थन के यानी कि जो भी सामान्य मानव मूल्यों के खिलाफ है उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और ये कोई आपका ऑर्गेनाइज मूवमेंट नहीं है कोई भी इसका ऑफिशियल मेंबरशिप नहीं होती है तो ये अननेम्ड अन्यम्ड है जो भी लिबरल वैल्यूज़ के लोग हैं वो एक है मतलब इस अपने को इंतिफा सदस्य से बताते हैं और इसमें थोड़ा बदलाव क्या देखा गया है जो सामान्य रूप से जैसे जैसे शांति रूप से शांति आधार पर जो है प्रोटेस्ट होता था लेकिन इंतिफा क्या है इंतिफा थोड़ा सा आक्रामक यानी कि जो है सक्रिय प्रोटेस्ट करता है तो ये नॉर्मल प्रोटेस्ट मेथड से अलग है तो ये चीज़ें बात बताई गई है अगली न्यूज़ है गूगल रिजेक्ट्स ऑस्ट्रेलियाज कॉल फॉर पे तो ऑस्ट्रेलिया के जो कंपटीशन रेगुलेटर है उसने कहा है कि भाई गूगल जब से आया है तो इसलिए ज़्यादातर एडवर्टीज़मेंट जो है गूगल पे ही कराए है जाते हैं और इससे पहले एडवर्टीज़मेंट हमारी न्यूज़ एजेंसीज़ को मिलती थी जब न्यूज़ एजेंसीज़ को एडवर्टीज़मेंट अब कम मिलने लगा है तो इससे उनको घाटा मिला है तो ये कह रहे हैं न्यूज़ एजेंसीज़ ने ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी ने मांग की थी कि दस परसेंट जो भी कंपनी फायदा कमाती है जो भी प्रॉफिट कमाती है एडवर्टीजमेंट से वो दस कंपनी न्यूज़ एजेंसीज के साथ शेयर करें लेकिन गूगल ने ऐसा प्रस्ताव से मना कर दिया कि हम नहीं शेयर कर पाएंगे तो ये चीज़ बताई गई है रसिया कोविड नाइन्टीन ड्रक रोल आउट नेक्स्ट वीक तो रूस ने एक नए कोविड नाइन्टीन ड्रग की टेस्टिंग की है एवी फाइवियर जिसको जैसे हम लोग अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ कर रहे हैं तो वो लोग एवी फाइवियर के जो है पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं कि ये काफ़ी सहायक सहायक होगा अगली जापान सिटी टू बैन फोन यूज़ वाइल वॉकिंग तो जापान में एक सिटी है यामाटो शहर तो यामाटो टोक्यो के नज़दीक ही है जो जापान की राजधानी है तो वहाँ पर एक बताया गया एक नया जो है लॉ लाया गया रेगुलेशन लाया गया है कि रोड पर चलते हुए आप मोबाइल नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि एक्सीडेंट इससे बहुत बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ बताया गया है वहाँ पर एक नया लॉ लाया गया है अगली न्यूज़ है ऑटो सेक्टर शो सम साइंस ऑफ लाइफ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे कि लॉकडाउन था तो उसकी बिक्री कम हो रही थी काफ़ी इसमें बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई थे अभी उसमें थोड़ा सा चढ़ाव देखने को मिल रहा है बताया गया है वहीं पे जो ट्रैक्टर्स की सेल्स है उसमें कोई नहीं गिरावट देखेगी बल्कि ज़्यादा ही थोड़ा सा डिमांड बढ़ी क्यों डिमांड बढ़ी है क्योंकि हमने देखा कि सरकार जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है तो एग्रीकल्चर इस समय इसेंशियल कमोडिटीज़ में है जो भी कंजम्पन है या जो भी खर्च हो रहा है ज़्यादातर खाद्य पदार्थों पर ही हो रहा है तो खाद्य पदार्थों पर हो रहा है इसका मतलब एग्रीकल्चर को काफ़ी सहायता मिलेगी तो इसलिए ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है ये बताया गया पेट्रोल डीजल सेल्स सर्ज से जिन में एज रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड तो जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया है तो पेट्रोल डीजल की जो है बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है कैबिनेट कमेटीज़ ओके फिफ्टी थाउजेंड करोड़ इन्फ्यूजन फॉर एम तो जो कैबिनेट कमेटी है उसने पचास हज़ार करोड़ रुपये एम के लिए जो है हामी भर दी है कि इनको जो है उपलब्ध कराया जाए लोन के माध्यम से एक फंड बनाया जाए ये चीज़ बताई गई है नहीं उसमें मतलब जैसे जो भी एम हैं जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में सप्लाई किया हुआ जिनका ड्यू बचा हुआ है जो भी एम तो उनका वो जो उधार है सरकार सरकार ने जो भी उधार खरीदकारी की है एम से उनका सब पैसा वापस किया जाए ये बताई गई है कैन अलाउ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू लिस्ट ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो जैसे कि जो हमारा सेबी है सेबी हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो है मैनेज करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये नामली इंडस्ट्रीज़ को पैसा जो है मार्केट से पैसा जो है उठाने का एक माध्यम है कैपिटल मार्केट जो है ये रेगुलेटर है लेकिन अब ये कह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एन हो गए या कोई और जो भी आपका समाज सेवी संगठन है जिनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो उनको पैसा अच्छे से नहीं मिल पाता है पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो इसी को ध्यान देते हुए सोशल स्टॉक चेंज का स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट लाया गया था यूनियन बजट 2019-20 में बताया गया था कि एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होगी जिसमें जो एन होंगे या बे जो जो भी सम, समाज सेवी संगठन हैं वो मार्केट से पैसा उठा सकेंगे अपने बॉन्ड या शेयर रिलीज कर सकेंगे जो भी डोनेशंस होंगी उसके माध्यम से ऑफिशियल डोनेशंस ले सकेंगे तो अभी सेबी ने बोला है कि जो सोश नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन हैं वो भी जो है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर सकते हैं ये बात बताई गई है फ्लिपकार्ट बिट टू इंटर फूड रिटेल रिजेक्टेड तो जो फ्लिपकार्ट है वो आपका फूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में यानी कि जो है खाद्य पदार्थों की बिक्री के संबंध में भी प्रवेश करना चाहता था जिसके लिए उसने एक नई कंपनी बनाई थी फ्लिपकार्ट फार्मर मार्ट जिसको अभी परमिशन देने से मना कर दिया है सरकार ने बोला है कि अभी रेगुलेटरी इशूज़ हैं इसमें थोड़ा सा इसलिए हम इसको परमिशन नहीं दे पाएंगे आर आई एल राइट इशू सब्सक्राइब वन पॉइंट वन टाइम्स तो जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड के राइट्स इशू हैं वो एक दशमलव एक गुना सब्सक्राइब हो गया यानी जितना इशू किए गए तो उससे ज़्यादा तो राइट्स इशू क्या है हम बात करेंगे ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो वर्तमान में शेयर वर्तमान शेयर धारकों को ही कुछ विशेष मूल्य पर यानी विशेष सस्ते मूल्य पर उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में दिया जाता है इसको राइट्स इशू बोलते हैं तो ये थी और एक महत्वपूर्ण जो है दुखद खबर खबर ये है हमारे लिए कि जो शादिद वाजिद की जोड़ी आप बॉलीवुड में देखते होंगे तो उसमें जो वाजिद खान थे वो गुजर गए कल उनकी उनका देहांत हुआ तो ये काफी दुखद खबर थी ये हमने देखा आज के न्यूज पेपर संबंधित खबरें अब हम चलेंगे अपने प्रश्न पे जो भी आज के न्यूज पेपर संबंधित आधारित होंगे प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है सबसे पहला प्रश्न है तो सबसे पहला प्रश्न हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन घोषित करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सी कैबिनेट कमेटी सी सी ई ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स प्रधानमंत्री सी एस ई पी एवा वाई सी दोनों मिलकर सेस से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये टैक्स पर टैक्स है इसको किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और जमा की गई राशि केवल उसी के लिए खर्च की जा सकती है सेस लगाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है उपयुक्त सभी केविन कार्टर किस क्षेत्र से संबंधित हैं पत्रकारिता भौतिकी एन जी ओ या उपयुक्त सभी ऑनलाइन पेमेंट नियंत्रण भारत सरकार में भारत में कौन करता है वित्त मंत्रालय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नीति आयोग आर तो ये थी हमारी दो जून की न्यूज़पेपर डिस्कशन बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू